दोस्तों, अभी हाल ही में उड़ीसा में जो रेलवे की दुर्घटना हुई है, तो यहाँ पर आपने कवच का नाम बहुत ज़्यादा सुने होंगे। कवच सिस्टम क्या है जो कि रेलवे को दुर्घटना होने से बचाता है? दुर्घटना होने से बचाने का काम करता है कवच सिस्टम, लेकिन ये कवच सिस्टम भी इस दुर्घटना को नहीं रोक सका है। सबसे पहले हम समझे कि कवच आखिर होता क्या है। ठीक है, कवच, जैसे कि आप महाभारत की यदि आप युद्ध देखे होंगे, तो उस टाइम में छाती में जो योद्धा लोग हैं युद्ध करते टाइम में कवच पहना करते थे। तीर नहीं घुसेगा अंदर, तलवार से नहीं कटेगा, इस प्रकार से आपकी सेफ्टी के लिए इसको लगाया जाता था। आपने अंगराज कर्ण के कवच के बारे में भी सुना होगा, इसलिए उसको दुनिया का सबसे बड़ा दानी माना जाता है। तो ये सब बातें तो हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, लेकिन आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं उसको अब शुरुआत करते हैं। कवच एक प्रकार से हमारे देश में ही डेवलप किया गया ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, ATP जिसको शॉर्टकट में कहते हैं। बाय रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, किसकी तरफ से इसको तैयार किया गया है? रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इसको तैयार किया गया है, RDSO की तरफ से इसको तैयार किया गया है। और इसमें कलेबरेशन किसका था? इंडियन इंडस्ट्री का रहा था। इसके बाद इस सिस्टम के ऊपर ट्रायल किए गए। कौन लिया ट्रायल? साउथ सेंट्रल रेलवे, ताकि हम अचीव कर सकें सेफ्टी इन ट्रेन ऑपरेशन अक्रॉस इंडियन रेलवेज। ट्रेन जो चल रही है वहाँ पर सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए हम कवच सिस्टम लेकर के आए थे। इसको आप स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बोल सकते हैं। यहाँ पर आपको सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 देखने को मिलेगा, SIL 4 स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन बाय प्रिवेंटिंग ट्रेन टू पास द सिग्नल। सिग्नल को क्रॉस करने नहीं देना है यदि रेड आ रहा है तो, विच मार्क्स डेंजर। इसके साथ साथ में ट्रेन को टकराने से रोकना है। ये क्या काम करता है? ये एक्टिवेट कर देता है ट्रेन के ब्रेकिंग सिस्टम को ऑटोमेटिकली यदि ड्राइवर फेल टू कंट्रोल द ट्रेन एज पर स्पीड रिस्ट्रिक्शन। स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है इस हिसाब से, यदि जैसे कि आप ड्राइवर हैं, आप एकदम रोक ही नहीं पा रहे हैं ट्रेन को, या फिर आपने ध्यान ही नहीं दिया, तो उस टाइम में ये अपने आप ब्रेक सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। अतिरिक्त में यदि हम इसमें बात बताएं, तो ये प्रिवेंट करता है टकराव से बिटवीन टू लोकोमोटिव इक्विप्ड विद फंक्शनल कवच सिस्टम। दोनों में कवच सिस्टम लगा दो, आपस में कभी नहीं टकराएंगी। इसके साथ साथ में ये नया जो सिस्टम है वो भरोसा करता है SOS मैसेजिंग सिस्टम पर ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशन में मैसेजिंग की सुविधा भी इसमें प्रोवाइड करी जा रही है। इसके साथ साथ में नया जो फ्यूचर है इसमें वो है सेंट्रलाइज लाइव मॉनिटरिंग ऑफ ट्रेन। केंद्रीकृत लाइव मॉनिटरिंग करी जाती है ट्रेन के मूवमेंट के थ्रू द नेटवर्क मॉनिटर सिस्टम। नया सिस्टम लेकर के आए हैं, ट्रेन कहाँ जा रही, किधर जा रही, कहाँ है, कहीं गलत तो नहीं घुस गई, सारी चीज़ें ट्रैकिंग आप कर सकते हैं नेटवर्क मॉनिटर सिस्टम के माध्यम से। कवच इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट SIL 4 सर्टिफाइड टेक्नोलॉजीज, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इज 1 in 1000, 10,000 ईयर। 10,000 साल में एक ही बार दुर्घटना हो सकती है, इतना ज़्यादा इसको शुद्ध तरीके से तैयार किया गया है। इसके बाद इसकी वर्किंग प्रणाली को यदि हम देखें, तो कैसे करके ये काम करता है रेलवे सिस्टम में, तो ट्रैफिक कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, टैक्स जिसको कहा जा रहा है, ट्रैफिक कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, इसकी हेल्प कौन करेगा? हेल्प ऑफ इक्विपमेंट ऑन बोर्ड द लोकोमोटिव। इंजन में कुछ और इक्विपमेंट लगाए गए हैं, टैक्स सिस्टम लगाया गया है, एंड ट्रांसमिशन टावर लगाए गए हैं स्टेशन, और इनको कनेक्ट कर दिया गया है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैक्स के माध्यम से, RFID के माध्यम से सबको हमने कनेक्ट कर दिया है। क्या क्या लगाए हैं? ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम लगाए हैं,
कुछ इक्विपमेंट है जो कि हमारे लोकोमोटिव में ही लगे हैं। इसके साथ साथ में ट्रांसमिशन वाले टावर हैं, हमको स्टेशन में देखने को मिल जाते हैं। इनको कनेक्ट किया गया है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैंक्स के माध्यम से। इससे जो टू वे का कम्युनिकेशन है स्टेशन मास्टर और लोको पायलट के बीच में वो काफ़ी बेहतर हो गया है। इमरजेंसी के मैसेज आदान प्रदान हो जाते हैं। द इंस्ट्रूमेंट पैनल इनसाइड केबिन हेल्प्स लोको पायलट नो अबाउट सिग्नल इन एडवांस विथआउट विजुअल साइटिंग। सिग्नल को मैं बाहर से नहीं देख पाया हूँ, अंदर से ही मैं देख ले रहा हूँ, ये चीज़ संभव बनाई गई है। किसके माध्यम से? इंस्ट्रूमेंट पैनल के माध्यम से, जो कि आपके इंजन के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। एंड द परमिसेबल स्पीड टू बी मेंटेन्ड। इसके बाद आप जो है स्पीड अपने हिसाब से रख लेते हैं कि सिग्नल आने वाला, सिग्नल गिरा हुआ है तो स्पीड आप मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ। यदि आपने रेड सिग्नल को भी पार कर लिया है एंड टू ट्रेन कम फेस टू फेस ऑन द सेम लाइन, उधर से भी सामने से आ रही है और मैं भी उसी पटरी से लेकर के जा रहा हूँ। इसके बाद ऐसी टेक्नोलॉजी हमने लगा दिए हैं कि ऑटोमेटिकली टेक्स ओवर एंड अप्लाइज सडन ब्रेक। सिस्टम ऐसा है कि उधर भी ब्रेक लग गया, इधर भी ब्रेक लग गया, ऐसा सिस्टम होता है कवच का। एडिशनली इसमें हूटर बजने लग जाएंगे एकदम तड़बड़ा के, कान फोड़ने वाले। इटसेल्फ व्हेन अप्रोचिंग ए लेवल क्रॉसिंग विच सर्विस एज ए बिग बून टू लोको पायलट ड्यूरिंग फॉग कंडीशन व्हेन विजिबिलिटी इज लो। उस समय में भी आपको पता चल जाएगा कब, जब फॉग जमा हुआ है, एकदम धुंध छाया हुआ है, लोको पायलट को दिख ही नहीं रहा है आगे ट्रेन सामने से, उस समय में भी मशीन लेकिन आपकी हेल्प करेगी। दोनों की दोनों जो ट्रेनें हैं, शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस, इसके साथ साथ में यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस, यहाँ पर आपने कवच सिस्टम नहीं लगाया था, वर नॉट फिटेड विथ कवच टैग सिस्टम। द कवर सिस्टम प्रोजेक्ट इज़ येट टू बी इम्प्लीमेंटेड इन हावड़ा खड़गपुर चेन्नई लाइन। अभी इस लाइन में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फिर भी यदि देखा जाए तो जय वर्मा सिन्हा, एक मेंबर ऑफ ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट माने जाते हैं रेलवे बोर्ड के, उन्होंने कारण बताया था, रिएक्शन टाइम एंड डिस्टेंस वर वेरी शॉर्ट एज द ट्रेन वॉज ट्रेवलिंग एट वेरी हाई स्पीड। उनका कहना है कि इतनी ज़्यादा स्पीड थी कि आपका ये जो सिस्टम है ना, शायद वो भी काम नहीं कर पाता। दूसरे नंबर की बात ये है, वेयर हैज़ कवच बीन इम्प्लीमेंटेड, कहाँ कहाँ आपने ये सिस्टम को लगा दिए हैं। तो यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इंस्पेक्ट किया है इसके ट्रायल को, कवच वर्किंग सिस्टम को बिटवीन गुल्ला गुडा चिट्टीगढ़ा रेलवे स्टेशन, ये पड़ता है लिंगामपल्ली विकारबाद इस सेक्शन का, सिकंदराबाद डिवीजन ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे, लास्ट मार्च की ये बात है। साउथ सेंट्रल रेलवे जोन अपने आप में एक पायोनियर माना जाता है कवच सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के मामले में। कवच सिस्टम ने को डिप्लॉय किया गया है 1456 किलोमीटर के एससीआर वाली लाइन में, लिमिट्स इन 77 लोकोमोटिव एंड 135 स्टेशन। कितनी जगह में? 77 तो स्टेशन हैं और 77 लोकोमोटिव और 135 स्टेशन में सिस्टम को लगाया गया है। इसके बाद यदि हमसे पूछा जाता है कि कवच सिस्टम को आप कहाँ कहाँ लगाओगे, तो प्रायोरिटी किसको दोगे, तो आप सीधा सा आंसर दे सकते हैं कि मैं सबसे पहले ऐसी जगह में लगाऊंगा जहाँ पर ट्रेनें ज़्यादा चल रही हैं। कवच इम्प्लीमेंटेशन का जो फोकस रहेगा वो रेलवे बोर्ड के ऊपर ही रहेगा, लेकिन पहली जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो हाई डेंसिटी रूट के ऊपर रहेगी। इसके साथ साथ में जैसे कि नई दिल्ली मुंबई वाला रास्ता है, नई दिल्ली से हावड़ा वाला सेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर जो है हायर चांसेस हैं एक्सीडेंट्स के, बिकॉज ट्रेन रन क्लोजर टू ईच अदर, क्योंकि यहाँ पर पटरी पास पास में है। द सेकेंड प्रायोरिटी लाइन आर हाईली यूज नेटवर्क, दूसरे नंबर की प्राथमिकता आप वहाँ देंगे जहाँ पर ज़्यादा हाईली यूज नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। थर्ड प्रायिकता आप कहाँ देंगे? पैसेंजर हाई डेंसिटी रूट के ऊपर। एंड द फाइनल प्रायोरिटी आप फोकस करेंगे कवर ऑल द रूट, इसके बाद कहेंगे कि नहीं हम हर जगह इसको लगाएंगे। इसके साथ साथ में RDSO की तरफ से अप्रूवल मिला है 3 फर्म्स को, वो क्या है, मेद